सामाजिक कार्यकर्ता जब नशा मुक्ति और जनहित के मामलों को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपने गए तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं के निदान के बजाय इन मांगों को ही गलत ठहरा दिया। पता नहीं ये कैसी पुलिस है। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और समाज में फैली नशाखोरी, शराब और गौ तस्करी को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान इन मसलों पर हल निकालने की बजाय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने इन समस्याओं और सामाजिक संगठन के ऊपर ही सवाल उठा दिए। संगठन के लोगों ने इसका घोर विरोध किया। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सरकार पर ही सीधा निशाना लगाया और कहा कि शराब उतनी नुकसानदायक नहीं है जितना कि गांजा और कोरेक्स है। यदि शराब इतनी खतरनाक होती तो सरकार लाइसेंस देकर शराब क्यों बिकवाती। 25-30 गाँवों की लिस्ट पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपने का जो आज कार्यक्रम था, वो ज्ञापन सौंपने के लिए कार्यकर्ता जब वहाँ पहुँचे तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आकर के ज्ञापन लिए और ज्ञापन लेकर के उन्होंने हम लोगों को ऐसी नसीहत दी जो शायद उचित नहीं है। उनके द्वारा ये कहा गया कि आप लोग चरस, अफीम, जो ये जानलेवा नशा हैं इन पे आप लोग रोक लगाइए। ये जो शराब को लेकर के आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं ये उतनी खतरनाक नहीं है, इससे उतने नुकसान नहीं होते हैं या किसी की जान नहीं लेती है। यदि ये जानलेवा होती तो सरकार लाइसेंस देके इसको क्यों बिकवा रही होती। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।